हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है और नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 76/2020 सेंट्रल टैक्स को डिलीट कर दिया गया है, जो कि 15 अक्टूबर 2020 को इशू किया गया था। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के लिए GSTR 3B की रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यदि व्यक्ति की टर्न ओवर 5 करोड़ रुपीज तक थी तो अलग ड्यू डेट थी, और यदि 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो अलग ड्यू डेट थी। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा सुपरसीड कर दिया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन नंबर 86/2020 सेंट्रल टैक्स, जो कि 10 नवंबर 2020 को इशू किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि नोटिफिकेशन नंबर 76/2020 सेंट्रल टैक्स, जो 15 अक्टूबर 2020 को इशू किया गया था, उसे डिसाइन कर दिया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा रूल 61 CGST रूल को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है 1 जनवरी 2021 से, जो कि यह कहता है कि GSTR 3B को किस प्रकार फाइल करना है और किस डेट तक फाइल करना है। यानी कि फ्रेंड्स, अब टैक्स पेयर को GSTR 3B को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होगा GST के कॉमन पोर्टल पर। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति मंथली रिटर्न को फाइल करता है तो उस केस में उसे GSTR 3B को महीना ख़त्म होने के बाद 20 तारीख तक फाइल करना है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है तो उस केस में वह GSTR 3B को क्वार्टली फाइल करना ऑप्ट कर सकता है। इस केस में उसे GSTR 3B किस डेट तक फाइल करनी है, ये डिपेंड करेगा कि व्यक्ति का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किस स्टेट में है, यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप के लिए उसे क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 22nd डे तक रिटर्न फाइल करनी है GSTR 3B की। और यदि उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली में है, तो उस केस में क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 24th डे तक उसे GSTR 3B को फाइल करना होगा GST पोर्टल पर। फ्रेंड्स, टैक्स की लायबिलिटी किस प्रकार पे करनी है इसके बारे में बताया गया है, यानी कि व्यक्ति अपना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या जो अदर अमाउंट है वो पे करेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज़ करते हुए या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ करते हुए, और इसकी डिटेल GSTR 3B में इंक्लूड की जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति क्वार्टली GSTR 3B को फाइल करता है तो उस केस में उसे टैक्स किस प्रकार पे करना है, यानी कि जो पहले 2 महीने होंगे क्वार्टर के, उसके लिए उसे टैक्स GST PMT 06 तक पे करना है, यानी कि महीना ख़त्म होने के बाद 25th डे तक उसे ये टैक्सेस पे करने हैं, यानी कि जनवरी 2021 के लिए 25 फरवरी 2021 तक उसे टैक्स पे करने हैं। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्सेस के लिए जो डेट है वो एक्सटेंड भी की जा सकती है, यानी कि PMT 6 को फाइल करने की डेट कमिश्नर के द्वारा, और यदि स्टेट टैक्स कमीशन डेट नोटिफाई करता है तो ये डीम्ड टू बी नोटिफाइड बाय कमिश्नर मानी जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति PMT 6 के द्वारा अपने टैक्स पे करेगा, यानी कि जो क्वार्टली GSTR 3B को फाइल करना ऑप्ट करता है, उस केस में जो पहला महीना होगा क्वार्टर का, उसके लिए जो बैलेंस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो उसे कंसिडर करेगा, और जो सेकेंड महीने के लिए वो टैक्स जमा करेगा उसमें जो ऑलरेडी उसने पहले महीने के लिए टैक्स कंसिडर किया हुआ है उसे एक्सक्लूड कर किया जाएगा। फ्रेंड्स, जब व्यक्ति टैक्स को जमा कर देगा तो उसके बाद जो वो अपनी GSTR 3B को फाइल करेगा क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद, तो उसमें इस टैक्स का यूज़ करेगा जो कि उसने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पे किया है, और यदि उसका एक्सेस कैश यहाँ पे जमा हो गया है तो उसका वो रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। लेकिन रिफ़ंड तभी उसे अलाउ किया जाएगा जब वो GSTR 3B की रिटर्न उस क्वार्टर के लिए फाइल कर देगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, GST रूल में रूल 61A इंसर्ट किया गया है, यानी कि जो व्यक्ति क्वार्टली रिटर्न फाइल करेगा उसे ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होगी GST पोर्टल पे।
फ्रेंड्स, इसके लिए पिछले क्वार्टर के सेकंड मंथ से लेके जिस क्वार्टर में ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता है उस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लास्ट डे तक ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होगी। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति इस ऑप्शन को एक बार एक्सरसाइज कर लेगा तो उसे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली क्वार्टरली बेसिस पर GSTR 3B फाइल करनी होगी और टैक्सेस पे करने होंगे। फ्रेंड्स, ये तब तक करना होगा जब तक कि व्यक्ति इन एलिजिबल नहीं हो जाता है क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करने से, जिसके लिए के कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई की गई हैं, या फिर वह मंथली रिटर्न को फाइल करना ऑप्ट नहीं करता है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करना ऑप्ट करेगा, यानी कि उसकी टर्न ओवर 5 करोड़ से कम है, तो क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करना ऑप्ट कर सकता है। लेकिन जिस दिन वह ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है उस दिन यदि उसकी लास्ट रिटर्न ड्यू हो चुकी है तो पहले उसे रिटर्न फाइल करनी होगी, उसके बाद ही वह क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करने की ऑप्शन चूज कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यदि करंट फाइनेंशियल ईयर में व्यक्ति की टर्न ओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे GSTR 3B को मंथली ही फाइल करना होगा इलेक्ट्रॉनिकली GST के कॉमन पोर्टल पर। फ्रेंड्स, जिस क्वार्टर में उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाएगी उसे नेक्स्ट क्वार्टर में उसे मंथली GSTR 3B को फाइल करना होगा। फ्रेंड्स, कौन से व्यक्ति GSTR 3B को क्वार्टरली फाइल करना चूज कर सकते हैं और इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 84/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है 10 नवंबर 2020, जिसमें के बताया गया फ्रेंड्स कि यदि एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होती है प्रसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो उस केस में टैक्स पेयर क्वार्टली GSTR 3B को फाइल कर सकता है और जो टैक्स ड्यू है वो एवरी मंथ उसे फाइल करने होंगे, जिससे कि हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए कंडीशन दी गई है कि जब व्यक्ति GSTR 3B को क्वार्टली फाइल करना चूज कर रहा है उस दिन यदि उसकी कोई रिटर्न ड्यू हो गई है प्रसीडिंग मंथ्स की तो पहले उसे वो फाइल करनी होगी, उसके बाद ही वह ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाएगा। और यदि वह ये ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज कर लेता है तो फ्यूचर में भी उसे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करने होंगे, लेकिन वह ऑप्शन रिवाइज भी कर सकता है GST पोर्टल पर। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर में तो उस केस में वो क्वार्टरली बेसिस पर GSTR 3B को नहीं फाइल कर पाएगा और जिस क्वार्टर में उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है उसके नेक्स्ट क्वार्टर से उसे मंथली GSTR 3B फाइल करनी होगी। फ्रेंड्स, आज की डेट में GSTR 1 को 1.5 करोड़ रुपीज तक क्वार्टरली फाइल किया जाता है और उसके बाद मंथली फाइल करने की प्रोविजन है, तो उस केस में क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। यानी कि जिस व्यक्ति ने अक्टूबर 2020 की रिटर्न 30 नवंबर 2020 तक फाइल कर दी है तो उसके लिए इस रूल में बताया गया है कि कैसे डीमिंग प्रोविजन अप्लाई होगी। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज तक है और उसने GSTR 1 को क्वार्टरली बेसिस पे चूज किया हुआ है फाइल करना करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए और वो अक्टूबर 2020 के लिए GST 1 को फाइल कर देता है 30 नवंबर 2020 तक, तो उस केस में क्वार्टरली रिटर्न की ऑप्शन ही चूज की जाएगी GSTR 3B के लिए। लेकिन यदि उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज तक है और वो GST 1 को मंथली बेसिस पे फाइल करता है तो GSTR 3B भी मंथली ही उसे फाइल करनी होगी, ये डीमिंग प्रोविजन है। और यदि उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है और 5 करोड़ रुपीज तक है तो क्वार्टरली रिटर्न ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी GST के कॉमन पोर्टल पे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे टैक्स पेयर इन डिफॉल्ट ऑप्शन को चेंज भी कर सकता है GST के कॉमन पोर्टल पे। इसके लिए टाइम लिमिट दी गई है 5 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 के लिए वह ऑप्शन चेंज कर सकता है। यानी कि यदि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है तो वह GST के कॉमन पोर्टल पे क्वार्टली या फिर मंथली ऑप्शन चूज कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति क्वार्टली GSTR 3B को फाइल करना ऑप्ट करेगा तो उसे टैक्स किस प्रकार पे करना है, इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 85/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है 10 नवंबर 2020, जो कि यह कहता है कि यदि कोई टैक्स पेयर क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करना चूज करता है तो उस केस में क्वार्टर के जो फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ है उसके लिए उसे टैक्स किस प्रकार पे करना है, यानी कि उसे टैक्स पे करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, इसके लिए वो PMT 9 फॉर्म यूज़ करेगा। फ्रेंड्स, यदि उसने पिछले क्वार्टर में क्वार्टरली रिटर्न फाइल की है तो उसमें जो उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से टैक्स लाइबिलिटी पे की थी उसका 35% अमाउंट से पे करना है, और यदि उसने पिछले क्वार्टर में मंथली रिटर्न फाइल की थी और उसके बाद क्वार्टली में आया है
तो उस केस में प्रसीडिंग क्वार्टर का जो लास्ट मंथ था उसमें जो उसने लाइबिलिटी अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे की है, उस टैक्स लाइबिलिटी के इक्वलेंट अमाउंट उसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कराना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे अमाउंट जमा कराने की आवश्यकता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के लिए, यदि उसके पास ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में टैक्स लाइबिलिटी के इक्वलेंट जो उस महीने की होगी, या फिर उसका कोई टैक्स ही नहीं बनता है तो। और फ्रेंड्स, क्वार्टर के सेकेंड मंथ के लिए यदि उसके पास बैलेंस पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुमुलेटिव टैक्स लाइबिलिटी के लिए, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए, या फिर यदि उसकी टैक्स लाइबिलिटी निल है, फ्रेंड्स यहाँ पे व्यक्ति तभी एलिजिबल होगा स्पेशल प्रोसीजर के लिए यदि वो कंप्लीट टैक्स पीरियड के लिए प्रोसीडिंग मंथ के रिटर्न फाइल कर देता है, यानी कि जब व्यक्ति रजिस्टर हुआ है फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स पीरियड से लेके लास्ट डे ऑफ द टैक्स पीरियड तक। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने GST 2B को भी नोटिफाई कर दिया है, यानी कि अब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ये स्टेटमेंट में दिखाई देगा GST पोर्टल पर। इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए यानी कि जिसका के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है GST 3B में, और पार्ट बी यानी कि वह पार्ट जिसका के इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम किया जा सकता GST 3B में, जिसके लिए कि आप हमारी सेपरेट वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं CA सतबीर चैनल पे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं CA सतबीर टैक्सिल के नाम से, ताकि आप मोबाइल पर ही GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त कर सकें।